यूपी बीजेपी में चल रही तमाम हलचलों के बीच पूर्व की समाजवादी सरकार में मंत्री रहे और हाल ही में बीजेपी में शामिल नारद राय ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। मौका था बलिया में मतदाता कार्यकर्ता सम्मान का। समारोह में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत कई मंत्री और नेता मौजूद थे। उसी मंच से नारद राय ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के अधिकारी एक नहीं सुनते, एक आर्म्स लाइसेंस बनवाने तक के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। तहसील स्तर पर लेखपाल और एसडीएम तक काम करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से घूस मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी की तरह वसूली करने के लिए नहीं जाते हैं थाने पर, तहसील में जनता की सेवा करने जाते हैं। लोकसभा चुनाव से एन पहले नारद राय समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। वो बलिया के कद्दावर नेता माने जाते हैं, दो दो बार मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी को उनसे लोकसभा चुनाव में फायदा नहीं मिला और बलिया समेत आसपास की सटी सभी सीट बीजेपी को गंवानी पड़ी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.